नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्राइम की खबरों के साथ। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने 103 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी के हवाले से मिली बिना कागजात वाली बाइक को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया है। तो खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां लाखों के स्मैक के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि नशाखोरों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो इसी दौरान पुलिस ने एक नशे के तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वह 103 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नशे की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। तो वहीं बिना कागजात वाली बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि 103 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस द्वारा हल्द्वानी कोतवाली और SOG द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया है, जिसमें मिक्की वारसी युवक पकड़ा गया है। इसके पास से आपका इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 103 ग्राम स्मैक और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये पूर्व में भी लगातार स्मैक बेचने का काम करता था। इसके द्वारा 4000 से 5000 रुपया ग्राम स्मैक बेची जा रही थी। इसका नेटवर्क बरेली से ये लाता था और यहाँ लोकल स्तर पे विद्यालयों में और ख़ासकर इसकी सप्लाई का होता है, बच्चों पे इसका फोकस रहता था। इसके दो साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, नामजद किए गए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये जो स्मैक का हमारा जो लगातार अभियान चल रहा है, इसमें हम बरेली नेटवर्क पे काम कर रहे थे, उससे यहाँ का जो लोकल नेटवर्क है, इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी ये मिकी वारसी है। और इसके मुकदमों के आधार पर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी जल्दी की जाएगी। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक 16 वर्षीय छात्र की हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल छात्र की हत्या उसके सहपाठी नाबालिग छात्र ने चाकू से गला काट कर की थी। तो वही पुलिस ने बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने बाल अपचारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व मृतक का मोबाइल फोन उसके स्कूल बैग से बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि अन्य तथ्यों की गहनता से जांच भी की जा रही है। तो खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां सहपाठी नाबालिग ने छात्र की हत्या कर दी। तो वहीं बता दें कि हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो वहीं सहपाठी ने ही छात्र को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि चाकू से गला काट कर छात्र की हत्या कर दी गई। तो वहीं चाकू व मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने स्कूल से बरामद कर लिया है। तो जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। कल दिनांक 29 सितंबर 2022 की शाम थाना धामपुर पर करीब शाम को 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि धामपुर नगीना हाईवे पर करीब हाईवे से 200 मीटर अंदर एक घने बगीचे में एक शव है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। उसकी शिनाख्त रोहित उम्र 16 वर्ष निवासी काजीवाला थाना नगीना के रूप में हुई। घटना की जघन्यता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित की गई और साक्ष्यों के आधार पर बाल अपचारी को रात्रि में ही अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की गई। तथ्य इस प्रकार सामने आए हैं कि मृतक और बाल अपचारी घनिष्ठ मित्र हैं। बाल अपचारी को कतिपय अपुष्ट शक और संदेह थे, जिसके आधार पर उसने ये जघन्य निर्णय लेते हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारित की। बाल अपचारी की निशानदेही पर उसके स्कूल बैग में से अलगतल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना में अन्य संलिप्तताओं के संबंध में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक यूपी के सहारनपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस टीम ने 10 पेटी अवैध शराब, 1,31,000 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल और 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। तो वहीं मामले में आबकारी विभाग का कहना है कि दोनों तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आबकारी विभाग सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है।
तो बता दें कि खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां अवैध शराब के साथ पुलिस ने दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आबकारी विभाग की यहां बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ दो तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके कब्जे से लाखों रुपए भी आबकारी विभाग की टीम ने बरामद किए हैं। तो वहीं 10 पेटी अवैध शराब भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद कर ली है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चौथावल थाना क्षेत्र के गांव बलवा खेड़ी में पति ने अपनी पत्नी की जान लेने के लिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया, साथ ही गले में रस्सी का फंदा डालकर जान से मारने की कोशिश भी की। तो वहीं पिता की करतूत देखकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वहीं शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे कर पत्नी की जान बचाई। तो वहीं पीड़िता ने अपने पति पर सोना और चांदी लेकर भागने का आरोप भी लगाया है और कहा कि विरोध करने पर पति ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां सपा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने भंडाफोड़ किया। बता दें कि टीम ने बीते शाम स्पा सेंटर में छापा मारा, तो मौके पर मसाज सेंटर के मालिक सहित दो युवक और 6 युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए पाया गया। तो वहीं छापामारी के दौरान एक युवक मौके से फरार हो गया। साथ ही यूनिट टीम के मुताबिक मसाज सेंटर के कमरों और डस्टबिनों में काफी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान मसाज सेंटर की ऑनर सहित कुल 4 युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 1 ATM कार्ड और 2 PAN कार्ड, साथ ही 2 आधार कार्ड, 4,600 रुपये की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। तो वहीं गिरफ्तार कर आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए हैं वो तो लोकल के ही हैं, और 3 महिलाएं गिरफ्तार की है, जिसमें से एक ओनर है दीप्ति, उसके अलावा 2 पुरुष भी गिरफ्तार, एक पुरुष गिरफ्तार है, एक उसी वक्त मौके से फरार हो गया था, उसकी भी अब गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। या ये जो सेक्स रैकेट चल रहा था, ये हमारा रॉयल स्पा सैलून है जो सिविल लाइंस एरिया में है रुद्रपुर में, वहाँ पे चल रहा था ये। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।